हेलो एवरीवन, मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, कभी रियल, कभी इन्वर्टेड, छोटी बड़ी, इधर उधर, आज मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसे चेंज होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये आपको इमेज नजर आ रही है और ये जो कैंडल है ये एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। सो कैंडल हमने एज एन ऑब्जेक्ट ले लिया और ये बुक पे एज अ वाइट स्क्रीन अगर हम इसको ले तो यहाँ पे ये इस फ्लेम की इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है, ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, सो इट इज रियल ऑल्सो। सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, एंड यू कैन सी दैट दीज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ओके। सो एज अ रिफ्लेक्शन वी आर गेटिंग द इमेज ऑफ द सेम साइज विच इज रियल इन्वर्टेड। इट मीन्स द मिरर शुड बी प्लेस्ड वेयर एट सी। ज्यादा अच्छे से देखने के लिए हम जरा लाइट ऑन करते हैं। लैब में हम इसे ऑप्टिकल बेंच पे करते हैं। मेरे पास ऑप्टिकल बेंच तो थी तो मैंने इंच टेप को ही नीचे लगा लिया यहां पे। अब देखिए, यहां पे इस जगह ये मिरर है, दिस इज कंकेव मिरर एंड इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी विच इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। सो दिस पोजिशन इज इंडिकेटिंग अस एज सी, एंड हियर इट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर एंड द पोजिशन ऑफ दिस मिरर इज 36 सेंटीमीटर। सो 36 माइनस 5 कर लेंगे यहां पे 31 सेंटीमीटर, राइट। और ये क्या है, ये सी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट, ये पॉइंट सी है और ये पोल, तो पोल से सी का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब इसका हाफ कर ले हम तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, तो इसकी फोकल लेंथ 15-16 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको मेजर करना चाहूं तो मैं मेजर कर सकती हूं लेंथ कितना है यहां पे, दिस इज 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द विक, एंड हेयर ऑल्सो दिस इज ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर। सो दिस पोजिशन इज सी। नाउ वी विल सी द वेरिएशंस, एंड फॉर दैट, फॉर द बेटर क्लैरिटी आई विल टर्न ऑफ द लाइट्स। अब देखिए, मैं इस डिस्टेंस को चेंज करती हूं, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर। सो हेयर एट दिस पॉइंट डू यू ऑब्जर्व दैट साइज ऑफ द विक हैज इंक्रीज्ड, ओके, एंड हेयर इफ आई टेक द डिस्टेंस, दिस इज 35 एंड दिस इज 55 मीन्स इट इज 20 सेंटीमीटर, सो विच इज मोर देन 15 सेंटीमीटर। So can we say it is beyond? Oh sorry, it is between C and F. ठीक है, क्योंकि 15 था हमारा F तो, और ये 20 है तो इससे ज्यादा है। अब देखिए, मैं डिस्टेंस को फिर चेंज करती हूं। आप देख पा रहे हो कि जो इमेज है दैट्स गेटिंग एनलार्ज्ड, डू यू सी हियर, एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट इट इज वेरी क्लियर, एंड इफ आई मेजर दिस लेंथ विद द स्केल, ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के बराबर है ये। अब मैं इसको अगर और दूर लेके जाऊं, आप इमेज पे फोकस कीजिए, पूरे पेपर के बराबर ही हो जाएगी। सो हियर आई एम टेकिंग इट फर्दर अवे, आप देख रहे हो इसको, दिस पॉइंट डू यू सी, ओके, सो इट इज कवरिंग द होल लेंथ ऑफ द पेपर, इट्स वेरी लार्ज, ओके, एंड इफ आई यूज दैट बोर्ड दैट विल बी वेरी क्लियर। नाउ यू फोकस अपॉन द बोर्ड, सो दैट्स वेरी लार्ज। सो हियर द वी कैन से दैट इमेज फॉर्म इज वेरी वेरी लार्ज, हाईली एनलार्ज्ड, and it is formed almost at infinity. Why infinity? Because the distance is very very high. जितना हम दूर जाएंगे उतना ही इमेज जो है वो enlarge होगी। और आप एक बार मेरी तरफ कैमरा करके देखिए इसको, मेरा जो डिस्टेंस है ये यहां पे जो मेरे हाथ में कैंडल और ये मिरर है इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, ऑलमोस्ट फोकस पे, और इमेज जो है वो हाईली एनलार्ज बनती है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है। अभी एक चीज और करते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस जगह है और ये डिस्टेंस इंक्रीज किया।
किया तो इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, इसके लिए मुझे स्क्रीन को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी इमेज, और जो इमेज है वो अब फॉर्म हो रही है, विच इज स्मॉलर। ठीक है, स्मॉल हो गई साइज में। अब मैंने और डिस्टेंस को चेंज किया, देखिए बहुत छोटी इमेज बन रही है पॉइंट साइज। और अगर मैं चेंज करूं, मेरी टेबल का साइज थोड़ा छोटा है तो इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बट आप देख सकते हो कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इमेज डिस्टेंस कम है, तो ये ऑलमोस्ट फोकस को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ, मैंने अभी होल्ड कर लिया है, तो देखिए ये बिल्कुल छोटी सी एकदम पॉइंट साइज हार्डली 2-3 मिलीमीटर की इमेज हमें फॉर्म हो रही है। तो इस केस में जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म हो रही है, पॉइंट साइज रियल इन्वर्टेड, और जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर रखा हुआ है।